जीवन में मेरे भाई बहन, दिन लांबिया नगरी धनधन मर्दर देश, धन जननी धन कुल, श्री सेवानाथ जी हुआ या प्रवेश, श्री सेवानाथ जी हुआ या प्रवेश, भक्ति भाव बढ़ाया कर भक्ता कल्याण सूता जीव जगाया, चरण शरण जो ले आपकी संत संदेश, दिन लांबिया नगरी धनधन मर्दर देश। मैं लखनाथ जी बाप जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ। विनोद तो मैं देखेड़ा को नहीं भाई, आप भी सता कोई सी देखेड़ा भाई। बाकी सेवानाथ जी ने भाई मैं बहुत विनारी समदृष्टि थी और बहुत ही बढ़िया संत था, और सेवानाथ जी के परमात्मा की कृपाओं शिष्य भी वैसा का वैसा परमात्मा आपने दे दिया। तो आपके पूर्वला जन्म रही कोई अच्छी कमाई जीवन में मेरे भाई बहन, भगवान ने किसने देखा? जिस दिन ऐसे संतों का दर्शन हो जाता है उस दिन भगवान का दर्शन। राम तजू पे गुरु निहारू, गुरु के सम हरि को नहीं निहारू। हरि ने जन्म दिया जगमाही और गुरु ने आवागमन छोड़ाई। हरि ने पांच छोड़ दिया सात, गुरु ने अनाथ लिया छुड़ाई। हरि ने कुटुंब जाल में घेरी और गुरु ने काटी ममता की बेरी। हरि ने रोग भोग भरमायो और गुरु ने योगी कर सब छुड़ायो। करीम हरि ने कर्म भरम भरमायो और गुरु ने आत्म रूप लगायो। हरि ने मौसू आप छिपायो और गुरु ने दीपक दे लगायो। इन सब संतारे माते तन मन वारो, गुरु न तज चाहे हरि न तज डारो। मेरे भाई बहन किसने देखा? भगवान ने। मोर बाप जी देखा कितना बढ़िया नाच रहा है। सुखराम जी बाप जी वाह, आप कितना भाग्यशाली हो भाई देवासी। आप रे मतलब समाज में कितना कितना बढ़िया साधु रिया। अरे राम प्रकाश जी बाप जी इन और तो हैं गरई साधु बन गया। सही क्यों इनारा काका न बाबा न भाई न भतीजा ने बाप जी कितना साधु बनी ओड़ा। क्या बात है वाह। अरे पुत्र जिनो हरि भक्त जिन जो सुन जो माया बाया ये, अरे करो बड़ो उपकार जगत पर सफल हो थारी काया ये। माता कयादू ने भगत प्रहलाद को जाया, अरे खंभ माये प्रगट कर प्रभु को घटघट में दर्शाया। माता सुनीति आज्ञा करी ध्रुव भक्ति करने सिद्धाया, अरे मदालसा ने लोरी गाकर सुत को ज्ञान सिखाया। 60,000 सागर के बेटा कोई गंगा लाया, एक कुल में भागीरथ जन्मियो सबको मुक्त कराया। माता सुमित्रा लखन को राम संग पटाया और राम की सेवा कर जग में कीर्ति का झंडा फहराया। अंजनी माता हनुमत जाया, सोमन लंक जलाया, सीता की सुती लाकर रघुवर ऋणी कहलाया। तुलसी माता तुलसी जाया और मानुष ग्रंथ रचाया, और माता मेणावत गोपी चंद को जोगी कर अमर बनाया। भक्तारी महिमा भगवान श्री मु गीता में गाया, और दिन दिन बड़ भागण माता इन सब संतान ने गोद में खिलाया। हे देवियां मैं समाचाऊं ये भाई एकादा ने साधु बना दो रे। 7-7 दिन भागवत कथा सुनो और अभी तक बैठने का भी आपको तरीका नहीं। कई भाई तो आन बाप जी ने जान मैं तो जानी इनारे खोले ही जाई काटा इनारे चलो ही जवणी काटा। हे समाचाऊं मेरे भाई बहन, एक बार कोई लाई गरीब आदमी तो नहीं दिन दा 2 घंटा दुकान शटर बंद कर दो तो ज्यादा बिजनेसी आदमी है कह रहे भाई अब सोनी टाइम नहीं है तो के कहीं करूं के अच्छा गरज गरज पटाओ के बाद में कहीं करूं के बाद में प्लॉट ले लीजिए, बाद में कहीं करूं के बाद में मकान बना लीजिए, के बाद में कहीं करूं के बाद में शादी कर लीजिए, तो पछे कहीं करूं के पछे थारे बाल गोपाल भेजी, के पछे कहीं करूं के पछे थारे विनारी शादी कर दीजिए, के पछे कहीं करूं पछे थारे पोता पोती भेजी, के पछे कहीं करूं के पछे रेस्ट कर लीजिए। क्यों अरे मूर्ख आदमी तो छाती कूटो कराए पछे रेस्ट करावे, तो अबे मार रेस्ट तो करियोड़ी तीरे भाया। जीवन में मेरे भाई बहन इतने बड़े साधु इतना अच्छा अच्छा आपने 7-7 दिन तक भागवत सुना रिया है, और आपने आज समाज में देवासी क्यों कहे? जिनके अंदर देवतों का वास होता है उसको देवासी बोलते हैं मेरे भाई बहन। हर आपके अंदर रू रू में देवता का निवास होता है, इसीलिए आपको सब संसार क्या बोलता देवासी, देवतों का वास होता यथा नाम तथा गुणा। तो मैं तो भाई सही बातों ने जाति ने भी कोटि कोटि धन्यवाद दूं कि कितना बढ़िया मतलब। और हमारे बा नाच रहे पन देवे लुमजी बा, ये मरकन 3 साल रियोड़ा है, इनका भी बहुत अच्छा भाव है और 80-90 साल की उम्र है, कितना बढ़िया नाच रिया था मेरे भाई बहन। इन वास्ते मैं सही बात बताऊं बाप जी, लक्ष्मण नाथ जी बाप जी
आपरे गुरुराज री इतनी बढ़िया सम दृष्टि थी, कदे कठी एरिया माता तो बिल्कुल पहली आश्रम माता आता और एक बार बन के भाई सा हलो भजन बोला कटे देवा से रट बिखड़ाई। अब अठी ने तो माई रा गीत गाना, अठी ने बैठा बैठा दाता भजन बोल रिया। मैंने बोला बाप जी अपन बिछाऊ ने भी कोनी, अटे कोई सुन वाला कोनी। बाप जी ने बोला भाई सा अगर सुनाना है तो अपा तो भगवान ने सुना ही नहीं, इंसान ने थोड़ी सुनाना है। क्या उनकी सम दृष्टि मेरे भाई बहन, कैसा साधु था। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूताई साधवा कालेन फलते तीर्थ संध्या साधु समागम। अगर समय मिले तो इनके साथ में बैठो और समय नहीं मिले नहीं तो इन लक्कड़ धुड़ा ने हमेशा प्रणाम करन जाओ, इनमें थोड़ो कल्याण कुल पवित्रम जननी करथारत वसुंधरा पुण्य वति चैतन। जिस कुल में भजन करता है वो कुल भी पवित्र हो जाता है, उसकी माता धन्य हो जाती है और जहाँ संत महात्मा घूमता भाई वो भूमि भी पुण्यवान हो जाती है। एक बार बगीचा में आम लगोड़ तो सब पहले कौन देखियो आंखिया, इशारो कौन करियो मन, गिया कौन पग, तोड़ियो कौन हाथ और खायो कौन मुंडो और राख्यो कौन पेट और माली आए तो मार पड़ी पीठ में। बापड़ी मोरा री की गलती को नहीं, मोरा ने तो मार पड़ी नहीं। बिनते में राजी दिया भैसा माल तो मैं खाया न मार थू, लेकिन जिन टेम मार पड़ी नहीं मोरा में बिन टेम आंसू कटू आया आ क्यों जो को गलती करी नहीं इशारो करियो भी नहीं चरोनो पड़ियो। तो जिंदगी में मेरे भाई बहन और डावो हाथ नहीं, कोई शुभ काम करे तो इन्हें लारे राखे, अच्छो कोई कार्य करे तो इन्हें लारे। तो ओ ब्रह्मा जी ने जान क्यों भगवान मैंने इन संसार में क्यों भेजियो, अगर कोई हवन करे तो इन हाथ ने आगे करे और कोई शुभ कार्य करे तो इन हाथ ने आगे करे और कोई वजन उठावनो रहे कोई गंदगी साफ करनी वे तो मारो बराबर भागीदारी मने बनावे, इन वास्ते मुझे संसार में भेजना ही नहीं था। भगवान ने कहा भैया तू टेंशन मत कर और जो भी शुभ काम करे नहीं बिन टाइम थोड़ो सो तू टच में रही जे तो थारो बराबर थने पुण्य मिल जाए। तो ये बड़ा बड़ा संत महात्मा है ये धर्म का काम कर रहा है तो आप कम से कम इन्हें टच में रहो आपका कल्याण हो जाएगा मेरे भाई बहन, और नहीं तो ये भवसागर में एक दिन ये नैया डूब जाएगी। क्योंकि संसार में आलसु मत बनो, दो काम कर लो कि सुबह जल्दी उठ 4 बजे स्नान कर लो और सूर्य ने जल चढ़ा लो 100 काम पूरा। ये कोई छोकरो आलसू तो बिनी हगई कर दी, हगई में थोड़ा अच्छो खर्चो रियो क्यों आजकल तो टेलीफोन वे नहीं तो रोज बिन लुगई ने कहवे हगई कर दी बिन छोकरी ने कहवे कि थारा बाप मने कहीं दे, बिचारी छोरी परेशान वेगी बोले रोज दिन उगेन के थारा बाप मने देज में कहीं दे तो वाक्य मारा बाप तो थने ट्रेन दे दी पहली पटड़ी री तैयारी तो करा ले भाई तू। तो जिंदगी में भाई आलसु मती बनो, दौड़ सको तो चलो मती, चल सको तो बैठो मती, बैठ सको तो लेटो मती और लेट सको तो सोओ मती। आयोड़ा आदमी ने हमेशा रोटी जिमाई जो, रोटी नहीं जिमायो तो पानी तो पिलाई जो, पानी नहीं पिलाओ तो बिना ने आऊनो तो कह दीजो और आऊनो नहीं को तो बिना ने बैठनो तो कह दीजो और बैठनो ही नहीं कोनी तो कम से कम मुंडा हामी देकर हंस तो लीजो और इतो ही नहीं कर सको नहीं तो चूड़ा पानी में डूब मर जो। क्या करना जी के संसार में जी के क्या करूंगे मेरे भाई बहन। मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, काफी संत पधारेड़ा है जी बोलिए सेवाना जी महाराज की जय। अपना बच्चा ने अच्छा संस्कार दीजो, क्यों बाप जी ये 5 जना भजन नहीं सुने, ये 5 आदमी नहीं बाप जी भजन नहीं सुने, भले आप कितने ही भजन गाओ ने भले कितने ही गाओ किया किया अबड़ा के दुखी आदमी ने, वो दुखी मेरी संसार में भटकी लेकिन भजन में नहीं आवे अबड़ा सबड़ा किने के करोड़ोपतिया ने वे हो रहे हैं भजन में नहीं बैठे, बैठे तो ही सुने को नहीं अबड़ा सबड़ा बामणा ये पुरोहित वे नहीं यही हो रहा है भजन नहीं उड़े भैया तो कोई माता उबली विजन में ही भजन में लगाओ। अबड़ा सबड़ा बामणा रायका और सोनार देवासिया ने कहते भजन में लगो तो काली बापड़ा लोगारे खेत कड़े खबड़े भाईसा एन होनारा ने कहते भजन में बैठ जाओ तो लोगारे खोट कड़े गाले। अबड़ा सबड़ा बामणा रायका और सोनार इतना ने लागे कोनी अब लागे तो बहु ए लक्ष्मण नाथ जी ने लागी जो को होना चाहती री दुकाना घर बार परिवार माँ बाप छोड़न एक सेकंड में फकड़ बनगा वारे वाह धन्य इन माँ बाप को। मैं बारी नार माता जी का दर्शन करिया था और मैं मान के माँ थारे चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, अगर हर माँ एक एक केड़ा लाला ने जन्म दे दे हर जाति रे महीने तो समाज में दुनिया रे महीने कल्याण भेजा और मेरी माँ उनका जीवन भी धन्य है जिनका बेटा साधु और साध्वी बन जाती है उनके माता पिता के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बोली कृष्ण चंद्र भगवान की।